हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश रीडर का अगला चैप्टर, जिसका टाइटल है जंगल सफारी। बट बिफोर मूविंग फर्दर टू द स्टोरी, लेट्स हैव अ लुक ऑन सी पॉइंट वन। हैव यू एवर विजिटेड एनी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? क्या आपने कभी नेशनल पार्क या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखा है? नेम्स ऑफ सम नेशनल पार्क्स एंड एनिमल सेंचुरीज आर गिवेन बिलो। राइट द नेम्स ऑफ द स्टेट्स वेयर दे आर सिचुएटेड। यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क्स और एनिमल सेंचुरीज के नाम दिए हुए हैं और आपको बताना है कि ये नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज किस स्टेट में सिचुएट करते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। जी हाँ, कॉर्बेट नेशनल पार्क इज इन उत्तराखंड। नेक्स्ट इज बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज इन मध्य प्रदेश। एंड द लास्ट वन इज गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन गुजरात। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। माई एक्साइटमेंट वॉज एट इट्स पीक। वी वर गोइंग टू विजिट कान्हा नेशनल पार्क, विच प्रोवाइडेड सेटिंग फॉर रूडयार्ड किपलिंग्स क्लासिक नोवल द जंगल बुक। मेरी एक्साइटमेंट बिल्कुल पीक पर थी। कहने का मतलब, मेरी उत्तेजना बिल्कुल अपने शिखर पर थी। हम कान्हा नेशनल पार्क जा रहे थे। कान्हा नेशनल पार्क वही पार्क है जिसने रूडयार्ड किपलिंग को अपने क्लासिक नोवेल द जंगल बुक लिखने के लिए प्रेरित किया था। वी स्लेप्ट अर्ली डेट नाइट सो डेट वी कुड गेट अप अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग। हम जल्दी सो गए ताकि हम अगले दिन सुबह उठ सके। एज द अलार्म रैंग माई सिस्टर एंड आई जम्प्ड आउट ऑफ आवर बेड्स। जैसे ही अलार्म बजा, मेरी सिस्टर और मैं, हम दोनों बेड से जल्दी उठ गए एंड क्विकली स्टार्टेड टू गेट रेडी फॉर वन ऑफ आवर थ्रिलिंग जर्नी एवर। और हम जल्दी से अपने रोमांचक यात्रा के लिए तैयार होना प्रारंभ कर दिया। अ विजिट टू कान्हा नेशनल पार्क ऑन अ बोट, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम वी वर गोइंग टू एक्सपीरियंस इट एंड वेरी थॉट इन्फ्यूज्ड जील इन मी। यह पहली दफा था जब हम कान्हा नेशनल पार्क एक बोट पे जाने वाले थे, और यह जो एक्सपीरियंस था, अनुभव था, इसने मेरे मन में जोश और उत्साह भर दिया था। एज वी अप्रोच्ड द लेक द फॉगी वेदर डिड नॉट डिटर आवर स्पिरिट्स। जब हम लेक के पास पहुंचे, अप्रोच मीन्स पहुंचना होता है, जब हम लेक के पास पहुंचे, द फॉगी वेदर कोहरेदार मौसम डिड नॉट डिटर आवर स्पिरिट्स। जब हम लेक के पास पहुंचे तो कोहरेदार मौसम था, पर उस कोहरेदार मौसम ने हमारे स्पिरिट को, यानी कि उत्साह को, रोक नहीं पाया। देयर वॉज एन एक्सक्लूसिव बोट वेटिंग फॉर आवर फैमिली। हमारे फैमिली के लिए एक बहुत ही सुंदर एक्सक्लूसिव बोट वेट कर रहा था। वी क्विकली होप्ड इनटू द बोट। हम जल्दी से उस बोट पर सवार हो गए। होप मीन्स होता है एक टांग के बल पर उछलना या कूदना। तो हम एक टांग उठा करके बोट पर चढ़ गए। व्हाइल द मिस्ट unfolded over the waters of the vast artificial lake,
जब कोहरा अनफोल्ड होता है, अनफोल्ड मतलब प्रकट होना, वास्ट आर्टिफिशियल लेक के ऊपर प्रकट होता है, जब कोहरा एक बहुत बड़ा, वास्ट मतलब विशाल और आर्टिफिशियल मतलब होता है बनावटी, जब कोहरा एक बहुत विशाल बनावटी लेक के पास आता है, आई वॉज मेसमराइज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द नेचर अराउंड मी, मैं अपने आसपास का जो खूबसूरती था, जो ब्यूटी था, उसको देखकर बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो गया, मेसमराइज्ड हो गया। मेसमराइज्ड मीन्स मंत्र मुग्ध होना। सून द मिस्ट स्टार्टेड क्लियरिंग, और जल्दी ही जो धुंध था वो साफ होने लगा। आई saw द कलर्स ऑफ द लेक waters टर्न फ्रॉम सिल्वर टू golden, मैंने देखा कि जो वाटर का, लेक वाटर का जो कलर था वो सिल्वर से अब गोल्डन कलर में बदलने लगा। द रेज ऑफ सन किस्ड द वाटर विच dazzled माई आईज, जो सूर्य की किरणें थी वो वाटर पर पड़ रही थी और ऐसा होने से मेरी आंखें जो हैं चौकाचौंध हो गई थी, dazzled हो गई थी। सडनली आई स्पॉटेड अ हर्ड ऑफ सांभर डियर क्लोज टू द लेक वाटर्स, सडनली मतलब कि अचानक से मैंने खोजा, मैंने देखा कि सांभर डियर का एक झुंड वाटर के नजदीक में था। देयर एजिलिटी एंड स्विफ्टनेस लेफ्ट मी इम्प्रेस्ड एज दे डिसअपीयर्ड इनटू द फॉरेस्ट हैस्टली, उनका जो फुर्ती था उस फुर्ती को देखकर मैं बिल्कुल विमुद्रित हो गया और वो जल्दी ही फॉरेस्ट में, बहुत जल्दी से ही फॉरेस्ट में गायब हो गए, डिसअपीयर्ड हो गए। विथ अ डिटरमाइंड रिजॉल्व एंड काम माइंड वी स्टार्टेड द ट्रिप, हमने अपनी सफर की शुरुआत पूर्व निर्धारित विचार और शांत मन से की। वी प्रिटेंडेड डेट द नॉलेज ऑफ बियर्स पाइथन्स एंड कोबराज बींग प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट डिड नॉट मैटर टू अस एट ऑल, बट वर वी नॉट फूलिंग आवर सेल्व्स, वी प्रिटेंडेड मतलब कि हमने दिखावा किया, हमने ढोंग किया, डेट द नॉलेज ऑफ बियर्स पाइथन्स एंड कोबराज बींग प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट डिड नॉट मैटर टू अस एट ऑल, हमने ढोंग किया, हमने दिखावा किया कि जो बियर्स पैथन्स और कोबरास जंगल में मौजूद थे उनसे हमें डर नहीं लगता, बट वर वी नॉट फूलिंग आवर सेल्स, पर क्या हम खुद को मूर्ख नहीं बना रहे थे, कहने का मतलब कि हमें डर लग रहा था। यस वी वर स्केयर्ड बट एट द सेम वी वर एक्साइटेड एंड कीन टू गो अहेड, हाँ हम डरे हुए थे लेकिन साथ ही साथ हम एक्साइटेड थे, हम उत्तेजित थे और उत्सुक थे आगे बढ़ने के लिए। ऑन द वे वी saw द फुटप्रिंट्स ऑफ एलिफेंट्स बियर्स एंड टाइगर्स, रास्ते में हमने एलिफेंट्स बियर्स और टाइगर्स के फुटप्रिंट्स देखने को मिला। फुटप्रिंट्स मतलब होता है पैरों के निशान, पदचिन्ह। वी saw अ वॉच टावर इन द फॉरेस्ट एंड हैड अ ब्यूटिफुल व्यू ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम अटॉप द टावर, हमने एक वॉच टावर देखा फॉरेस्ट में और उस वॉच टावर से
जो बाहर का फॉरेस्ट का जो नजारा था वो काफी ब्यूटीफुल था, काफी खूबसूरत था। टायर्ड बट एंथुजियस्टिक वी केम टू द एंड ऑफ द ट्रेक, थके हुए लेकिन उत्साह से परिपूर्ण हमने अपने यात्रा का अंत किया। इट वॉज नाउ टाइम फॉर आवर जर्नी बैक बट नॉट बिफोर वी हैड डिसाइडेड टू इमर्स आवर लेग्स इन टू द कूल वाटर्स ऑफ द लेक। इट वॉज सो ब्यूटिफुल टू सी स्वाम्स ऑफ ए स्मॉल लिटल फिश इन द वाटर्स अंडर आवर फीट। लेकिन इससे पहले कि हम अपने पैर ठंडे पानी में, लेक के ठंडे पानी में डुबोते, हमने देखा छोटी छोटी मछलियों का एक बहुत बड़ा झुंड था जो कि हमारे पैरों के नीचे था। द साइट ऑफ अ फैमिली ऑफ टाइगर विच वी स्पॉटेड जस्ट बिफोर द एंड ऑफ आवर जर्नी लेफ्ट अस अमेज्ड। टाइगर्स का जो दृश्य था जो कि हमने अपने जर्नी के लास्ट में देखा था, उसने हमें आश्चर्यचकित कर दिया था, अचंभित कर दिया था। द फादर द मदर एंड टू बेबी टाइगर्स ऑल टूगेदर। उस टाइगर्स के फैमिली में एक फादर थे, एक मदर थी और दो बेबी टाइगर्स थे, वो सब एक साथ थे। इट अपीयर्ड एज इफ दे हैड जस्ट कम आउट टू मीट ऑल ऑफ अस हु हैड कम लुकिंग फॉर देम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। ऐसा महसूस हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ कि ये जो टाइगर की फैमिली थी, ये लोग बाहर निकल करके आए हमसे मिलने के लिए, क्योंकि हम जो इतने दूर गए थे दिल्ली से कान्हा नेशनल पार्क घूमने के लिए, तो वो हमसे मिलने के लिए आए हो ऐसा लगा। विथ दिस ब्यूटिफुल साइट माई बोट जर्नी ऑफ कान्हा नेशनल पार्क केम टू एन एंड। और इसी खूबसूरत नजारे के साथ हमारा जो यात्रा था कान्हा नेशनल पार्क का, वह समाप्त हो गया। इट वॉज एंड विल रिमेन एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। यह जो अनुभव है, ये जो तजुर्बा है, ये जो जर्नी है, इस जर्नी को कभी भुलाया नहीं जा सकता, ये बिल्कुल अनफॉरगेटेबल है। लेट अस मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइजेस सी पॉइंट टू। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी रीड ऑर्गेनाइज द इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर बाय राइटिंग द नंबर अगेंस्ट ईच सेंटेंस। यहां पर स्टोरी से कुछ सेंटेंस लिया गया है, हमें इन्हें करेक्ट ऑर्डर में करना है। फर्स्ट वन इज वी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सेकेंड देयर वॉज अ स्पेशल बोट फॉर आवर फैमिली। थर्ड वी सॉ अ हर्ड ऑफ सांभर डियर क्लोज टू द लेक। फोर्थ वी बिगेन ट्रेक विथ काम माइंड्स। फिफ्थ वी सॉ द फुटप्रिंट्स ऑफ एलिफेंट्स बियर्स एंड टाइगर्स। सिक्स्थ वी पुट आवर लेग्स इन द कूल वाटर्स ऑफ द लेक एंड द लास्ट वी स्पॉटेड अ फैमिली ऑफ टाइगर। सी पॉइंट थ्री फाइंड द वर्ड्स फॉर द गिवन मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। यहां पर कुछ मीनिंग दिया गया है, उसके लिए जो ओरिजिनल वर्ड जो स्टोरी में यूज हुआ है उसे हमें ढूंढकर लिखना है। डिस्करेज फ्रॉम डूइंग समथिंग, इसके लिए वर्ड यूज हुआ है डीटर। नेक्स्ट इज क्विकनेस, इसके लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो है स्विफ्टनेस। ओवरवेम, इसके लिए वर्ड यूज हुआ है मेसमराइज्ड। एंड द लास्ट वन इज एक्सपेडिशन, इसका होगा ट्रेक और जर्नी। सी पॉइंट फोर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। What is the narrator excited about? Narrator किस बात को लेकर काफी excited है? The narrator is excited about his trip to Kanha National Park. Narrator कान्हा नेशनल पार्क के
ट्रिप को लेकर काफी एक्साइटेड है। हाउ डिड द लेक वाटर टर्न फ्रॉम सिल्वर टू गोल्डन? लेक का जो वाटर है वो सिल्वर से गोल्डन में कैसे बदल गया? When the rays of the sun fall on the lake water, it turns from silver to golden. जब सन का रेज लेक वाटर पर पड़ा तो वह सिल्वर से गोल्डन में चेंज हो गया। Was the narrator scared of wild animals in the forest? क्या narrator फॉरेस्ट में मौजूद वाइल्ड एनिमल्स से घबराए हुए थे, डरे हुए थे? गिव अ रेफरेंस फ्रॉम द टेक्स्ट टू जस्टिफाई योर आंसर। यस, द नरेटर वाज स्केयर्ड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। हाँ, जो नरेटर थे वो जंगली जानवरों से डरे हुए थे। बिकॉज ही प्रिटेंडेड डेट द नॉलेज ऑफ बियर्स, पाइथन्स एंड कोबरास बींग प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट डिड नॉट मैटर टू हिम एट ऑल। क्योंकि उन्होंने दिखावा किया था कि ये जो बियर, पाइथन्स और कोबरास जंगल में मौजूद हैं उनसे उन्हें डर नहीं लगता है। उन्होंने ढोंग किया था, दिखावा किया था, रियलिटी में उन्हें डर था। सी पॉइंट फाइव, वर्ड्स यूज लाइक हर्ड एंड स्वाम आर कलेक्टिव नाउन्स। इस स्टोरी में जो वर्ड यूज हुए हैं हर्ड और स्वाम, ये कलेक्टिव नाउन है। फाइंड कलेक्टिव नाउन्स फॉर द ग्रुप्स मेंशन्ड बिलो। पहला है अ ग्रुप ऑफ शीप, इसे बोलते हैं हम फ्लॉक। अ ग्रुप ऑफ उल्स, अ ग्रुप ऑफ उल्स, उल्स के ग्रुप को हम पैक बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ मंकीज, मंकीज के ग्रुप को ट्रूप बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ गीज, गीज के ग्रुप को गैगल कहते हैं। अ ट्रूप ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स के ग्रुप को स्ट्रीक कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ व्हेल्स, अ ग्रुप ऑफ व्हेल्स को हम स्कूल कहते हैं। सी पॉइंट सिक्स, लाइफ स्किल्स। व्हाट अरेंजमेंट्स वुड यू मेक इफ यू वर टू ट्रेवल टू अ नेशनल पार्क? एग्जाम्पल, सम प्री इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेस, काइंड ऑफ क्लोथ्स यू वुड वियर एटसेट्रा। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि जब आप किसी नेशनल पार्क के लिए ट्रेवल करेंगे किन किन अरेंजमेंट्स के तरफ आपका ध्यान जाएगा, तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं, आई वुड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, होटल्स नियर द पार्क, सीजन इन विच पीपल आर अलाउड एंड एनिमल्स एंड देयर सेफ्टी। डिस्कस इन द क्लास ऑल्सो मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू वुड कैरी अलॉन्ग फॉर द ट्रेवल। आप क्लास में डिस्कस कीजिए और किन किन चीजों को आप लेकर जाइएगा अपने ट्रेवल के दौरान, उसको आपको लिखना है। तो लिस्ट ऑफ थिंग्स आई वुड कैरी, फ्लैश लाइट्स, मैप, वाटर, कैमरा एंड फर्स्ट एड बॉक्स। आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।